नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे आजम खां के घर पर लगातार इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है, जिसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। कभी आजम खां इस बात की दुआई देते हैं कि भैंसों की डायरी से रोज 20,000 की कमाई से घर चलता है, तो कभी वो बोलते हैं कि वो फकीर आदमी है। लेकिन एक फकीर आदमी के घर से कैसे कुबेर का खजाना निकल रहा है, ये पूरा देश इस वक्त देख रहा है। अब ऐसे में एक नया खुलासा हुआ है, जिसको देखकर इनकम टैक्स की टीम भी हक्का बक्का रह गई है। क्या है वो खुलासा, देखिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से संबंधित मामले में इनकम टैक्स विभाग की टीम ने 3 दिन लगातार छापेमारी की। आजम खान के जौहर ट्रस्ट से संबंधित 26 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 36 जगहों पर रेड करने का प्लान था, लेकिन 10 जगहों पर विभाग की टीम को ताले लटके मिले। टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 दिनों की रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें 83,96,000 रुपए बरामद हुए हैं, जिसमें 16,90,000 रुपए सीज कर दिए गए। अगर बात की जाए कीमती आभूषणों की, तो इनकम टैक्स की टीम ने 2,04,00,000 रुपए की ज्वेलरी बरामद की है, जिसमें 38,30,000 रुपए की ज्वेलरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सीज कर दी गई। तीसरे दिन की रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जाँच की। विभाग ने यहां मौजूद 58 बिल्डिंग की वैल्यू लगभग 418,37,00,000 रुपए आंकी है। आजम खान की जौहर ट्रस्ट की तरफ से बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की ग्लोकल यूनिवर्सिटी को भी 7,42,000 रुपए के इक्विपमेंट दान में दिए। इसी कड़ी में ही जुड़े फसी जैदी का मोटा इन्वेस्टमेंट होटल, कॉलेज और रेजिडेंस में पाया गया। इसकी वैल्यू जांच करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आगे की कार्रवाई की है। ये 2 दिन का लेखा जोखा है, जबकि अभी फाइनल डिटेल आना बाकी है। आजम खान के ठिकानों पर 36 घंटे तक रेड चली। फसी जैदी के घर इनकम टैक्स की रेड में ये बात निकल कर सामने आई कि ट्रस्ट के पैसे के होटल और बाकी अन्य व्यवसाय में भी लगाए गए हैं। ट्रस्ट की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में 60,00,00,000 रुपए लगे, जबकि इनकम टैक्स वालों ने 58 बिल्डिंग का मूल्यांकन कराया तो ये आंकड़ा 418,37,00,000 तक पहुंच गया। आयकर विभाग ने बुधवार सुबह समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से जुड़े कई परिसरों पर छापेमारी शुरू की थी। लखनऊ, रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और सीतापुर में छापेमारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक आईटी की छापेमारी अल जौहर ट्रस्ट को लेकर की गई थी। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कम से कम 30 ठिकानों की तलाशी ली। ये छापेमारी आजम खान के खिलाफ टैक्स चोरी की जांच का हिस्सा था। आजम खान के घर पर 3 दिनों तक चली आईटी टीम की छापेमारी में अब टैक्स चोरी का मामला भी सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पर अब करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, 800 करोड़ की टैक्स चोरी के सबूत भी कथित तौर पर इनकम टैक्स की टीम को मिले हैं। एक वक्त में उत्तर प्रदेश में आजम खां का सिक्का चलता था, लेकिन आज आजम खां पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।